आज हम लोग GTA 5 के अंदर कुछ सीक्रेट मॉन्स्टर कार्स को चोरी करने वाले हैं और इन कार्स को चोरी करने के बदले में सिमियन हमें पूरे के पूरे $10 million देगा। तो भाई जो हमारी पहली मॉन्स्टर कार है वो इस सामने वाले घर पे है और भाई ये क्या यार, इसके गेट पे तो दो दो पुलिस वाले हैं। तो भाई अगर हम लोग मेन गेट से जाएंगे फिर तो पुलिस वाले हमें मार देंगे, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और भाई ये क्या यार, यहाँ पे तो एक हेलीपैड है, क्या हम लोग लेफ्ट वाले रास्ते से अंदर जा सकते हैं? चलो भाई हम लोग एक बार जाके ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं आराम से और अब हम लोग इस पे चढ़ते हैं। यस यार, हम लोग बहुत ही आराम से इस घर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन भाई हेलीकॉप्टर के उस पार एक बंदा है तो हमें उसे मारना होगा, अभी तक उसने हमें देखा नहीं है। तो चलो फ्रैंकलिन आराम से चलते हैं और जल्दी से इसे मार देते हैं। तो चलो भाई अब इस घर पे हमारा कब्जा है। तो चलो भाई अब हम लोग जल्दी से अपनी मॉन्स्टर कार को ढूंढते हैं। और भाई ये देखो यार, यहाँ पे तो दो दो शानदार कार्स ग्लास के केस में रखी हुई हैं। और भाई ये देखो, ये रेड और ब्लू वाली कार ही हमारी मॉन्स्टर कार है। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इसे यहाँ से निकालते हैं। और भाई ये क्या यार, ये कार तो अनलॉक भी है। तो चलो फ्रैंकलिन हम लोग जल्दी से इस कार को इस ग्लास पे से उतारते हैं। लेकिन भाई दिक्कत यह है कि हम लोग इस कार को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। और भाई मेरे दिमाग में उस कार को निकालने का एक बहुत मस्त आइडिया आया है। हम लोग क्या करते हैं, एक स्टिकी बॉम्ब लेते हैं और इस ग्लास पे एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ दो स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं और अब हम लोग इस ग्लास को ब्लास्ट कर देते हैं। तो चलो भाई 3, 2, 1 और लेट्स गो। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि हमारा आइडिया बिल्कुल सही काम किया है और यहाँ का ग्लास बहुत ही आसानी से टूट गया है। तो चलो भाई इससे पहले कि इन लोग को पता चले, हम लोग जल्दी से इस कार को लेके यहाँ से निकालते हैं। और ओ भाई यार, ओके आराम से हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। अरे यार आराम से फ्रैंकलिन, कंट्रोल करो इसको। ये लो सिमियन, आज की पहली मॉन्स्टर कार। और भाई तुम्हें क्या पता कि हमने कितना स्ट्रगल करके इस कार को चोरी किया है। तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं और चलते हैं अपनी अगली कार लेने। तो भाई जो हमारी दूसरी मॉन्स्टर कार है वो इस सामने वाले फार्म में है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे शायद से खेती का काम चलता है। और भाई तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। लेकिन भाई तुम्हें पता है कि हमें इस ट्रैक्टर को चोरी करना है। भाई ये ट्रैक्टर कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन ये उसी के साथ काफी कूल भी लग रहा। तो चलो भाई अभी सब लोग एंजॉय करने में मस्त है, हम लोग क्या करते हैं धीरे से इस ट्रैक्टर में बैठते हैं। और भाई यार इस ट्रैक्टर का जो इंटीरियर है वो भी काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन भाई यार हम लोग इस ट्रैक्टर का लुक कभी और देखेंगे। हम लोग सबसे पहले इस ट्रैक्टर को यहाँ से निकालते हैं। बाय बाय सर, मैं आपकी ट्रैक्टर को लेके जा रहा हूँ। ओ भाई यार इस ट्रैक्टर को चलाना बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है, लेकिन यार इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कम है। तो चलो फ्रैंकलिन तुम जल्दी से इस शानदार ट्रैक्टर को अपने घर ले चलो। ये लो सिमियन, इस बार हमने तुम्हारे लिए एक शानदार सी इंडियन ट्रैक्टर लाई है। तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पार्क करते। और ये क्या सिमियन, मेरा जमीन पे ड्रिलिंग क्यों कर रहे हो? अरे यार तुम्हें अलग ही नशे हैं। भाई मुझे तो लगा था यार कि सिमियन टपक गया, लेकिन चलो भाई वो सही सलामत है और हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी कार लेने। भाई जो हमारी तीसरी मॉन्स्टर कार है उसको चोरी करने के लिए हमें एक दूसरे कंट्री इजिप्ट आना पड़ा है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ का कल्चर कितना ज्यादा अलग है। लेकिन चलो भाई हम लोग इधर उधर नहीं देखते हैं, हम लोग जल्दी से अपनी मॉन्स्टर कार को ढूंढते हैं। और भाई ये क्या यार, ये तो यहाँ के शेख का घर है। और भाई ये देखो, जो मॉन्स्टर कार है वो इस घर के अंदर है। तो चलो भाई फ्रैंकलिन आराम से हम लोग इस घर के अंदर चलते हैं, एकदम आराम से धीरे धीरे। और ये क्या यार, ये गेट तो लॉक है,
तो भाई हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, इधर की तरफ चलते हैं और अपनी कार को यहाँ पे पार्क करते हैं। और भाई तुम लोग समझ ही चुके होगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग अपनी कार पे चढ़ के और फिर इस बाउंड्री के ऊपर जाने वाले हैं। और ये क्या यार, हमारा ट्रिक कितना सही काम किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इधर चलते हैं और फ्रैंकलिन आराम से छुप जा। चलो आराम से जल्दी से इसे मार देते हैं। चलो भाई तो अब जल्दी से इस कार में बैठा जाए। अरे नहीं यार, ये कार तो लॉक है। अब हमें इसकी चाबी को ढूंढना होगा। और भाई इसका चाबी वो सामने बैठे हुए शेख के पास ही होगा। तो भाई अब मजबूरन में हमें उसे मारना ही पड़ेगा। तो हम लोग अपनी पिस्टल निकालते हैं और जल्दी से इसे मारते हैं। चलो भाई तो हमने इसे मार दिया और चाबी को ले लिया है। अब जल्दी से हम लोग इस कार में बैठते हैं। और भाई ये देखो यार, इस कार में बैठते ही यहाँ का जो गेट है वो अपने आप खुल गया। तो चलो भाई इससे पहले कि कोई हमारे पीछे पड़े, हम लोग जल्दी से इस मॉन्स्टर कार को यहाँ से निकालते हैं। और भाई यार इस कार की हाइट भी काफी ज्यादा है। और भाई इस कार को चलाने में जो मजा आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल है। तो चलो हम लोग एक बार इधर से इसकी थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हैं। ओ भाई यार ये कार तो काफी ऑसम है। तो चलो फ्रैंकलिन हम लोग जल्दी से इस शानदार कार को लेके अपने घर चलते हैं। भाई देखा जाए तो इस कार का इंटीरियर भी काफी ज्यादा सही है। तो ये लो सिमियन, हमने तुम्हारी लिस्ट में एक और कार को ऐड कर लिया है। और भाई ये अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट कार है। तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पे पार करते हैं। और सिमियन इस कार का ध्यान रखना, हम लोग अगली कार से लेने जा रहे। तो भाई जो हमारी अगली मॉन्स्टर कार है उसे चोरी करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई ये कार हमें आयरन मैन के घर से चोरी करना है। तो चलो फ्रैंकलिन एकदम चिल मोड में अंदर चलते हैं। और ये क्या यार, आयरन मैन के पास तो एक शानदार सी जीप है। भाई ये जीप कितनी ऑसम लग रही, और कोई आसपास भी नहीं है। तो फ्रैंकलिन धीरे से इसमें बैठो। अरे यार आज के दिन सारी कार्स लॉक क्यों हैं? भाई ये कार भी लॉक है और अब हमें इसकी चाबी को ढूंढना होगा। तो चलो भाई इसकी चाबी को ढूंढना थोड़ा हार्ड हो सकता है। हम लोग आराम से अंदर चलते हैं। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि घर के एंट्री पे ही आयरन मैन फोन चला रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे से चलते हैं और यही मौका है इसे मार देते हैं। और भाई ये क्या यार, इसके पास तो गन भी था। भाई बाल बाल बचे। चलो भाई तो हमने आयरन मैन से इस कार की चाबी को ले लिया है। और भाई इससे पहले कि कोई भी सुपर हीरो पागल होके हमारे पीछे पड़े, हम लोग जल्दी से इस कार को यहाँ से निकालते हैं। फ्रैंकलिन प्लीज यार जल्दी कर, जल्दी से इसे यहाँ से निकाल, वरना भाई आयरन मैन को अगर होश आया या फिर हल्क वल्क आ गया हमारे आसपास, फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और भाई ये क्या यार, ये कार तो काफी अच्छा चल रही है। और भाई इसका जो इंटीरियर है वो कितना ज्यादा प्रीमियम है। भाई इसे वैकेशन पे ले जाने में काफी मजा आएगा। तो चलो फ्रैंकलिन जल्दी से इसे अपने घर ले चलते हैं। ये लो सिमियन, इस बार हमने तुम्हारे लिए आयरन मैन की जीप लाई है। तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पे पार कर देते हैं और चलते हैं अपनी और कार्स को लेने। तो भाई मुझे पता चला है कि डायमंड कैसीनो के पार्किंग में एक शानदार सी इंडियन कार खड़ी है। और भाई हम लोग उसी कार को चोरी करने यहाँ पे आए हैं। और भाई ये देखो यार, ये तो अपनी फेमस स्कॉर्पियो है। भाई मुझे उम्मीद नहीं था कि हम लोग एक स्कॉर्पियो को लॉस सैंटोस में पाएंगे। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इस कार को चोरी करते हैं इससे पहले कि इसका मालिक यहां आए। अरे यार ये कार लॉक है। बहुत सही फ्रैंकलिन, भाई इसने शीशा तोड़ के इस कार को अनलॉक कर लिया है। तो चलो भाई जल्दी से इसको लेकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन भाई उससे पहले मैं इस स्कॉर्पियो का इंटीरियर देखना चाहूँगा। तो भाई तुम लोग देख सकते हो इसका इंटीरियर भी कितना ज़्यादा लाजवाब है। तो चलो भाई इससे पहले कि कोई दिक्कत हो, हम लोग जल्दी से अपनी इंडियन की फेमस स्कॉर्पियो को अपने घर पे पार्क करते हैं। ये लो सिमियन, इस बार हमने तुम्हारे लिए एक शानदार सी इंडियन कार को लाया है। तो चलो भाई हम लोग इस फेमस स्कॉर्पियो को
यहाँ पे पार करते हैं। और सिमियन अच्छे से इस स्कॉर्पियो का ध्यान रखना। तो चलो भाई चलते हैं अपनी और कार्स को लेने। तो भाई जो हमारी अगली मॉन्स्टर कार है वो इस सामने वाले घर में है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि ये कार तो हमारे सामने ही है और भाई गेट भी हमारे लिए खुल गया। तो भाई चलो यार, इससे पहले कि कोई पुलिस हमारे पीछे पड़े, हम लोग जल्दी से इसे यहाँ से लेकर निकालते हैं। अरे यार, इसे कंट्रोल करना कितना हार्ड है। भाई ये सामने की तरफ उठ जा रही। तो चलो भाई धीरे धीरे इसे चला के अपने घर चलते हैं। अरे सब लोग साइड हो जाओ। अरे भाई यार, ये कार बहुत पलटी मार रही। ये लो सिमियन, इस बार हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार मॉन्स्टर कार लाई है। तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पे पार करते हैं। सिमियन इसका ध्यान रखना, हम लोग आखिरी कार लेने जा रहे। तो भाई जो हमारी आज की लास्ट कार है वो इस सामने वाली गैरेज में है। और भाई इस जगह पे कार की वॉशिंग की जाती है। और भाई तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी कार्स हैं, लेकिन सिमियन ने उस कार की पहचान बताई है कि उस कार में 3 टायर है, लेकिन भाई यहाँ पे जितनी भी कार है सब में 4 टायर है। तो चलो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे भी देख लेते हैं। और भाई यहाँ पे भी काफी सारे कार्स है और यहाँ पे एक ऑफिस भी है। और भाई ये देखो यार, यहाँ पे तो एक कार है जिसमें 3 टायर है। इसका मतलब भाई हमें इसी कार को चोरी करना है। तो अभी सब लोग इधर उधर है, हम लोग क्या करते हैं, फ्रैंकलिन जल्दी से इस कार में बैठ जा, जल्दी बैठ यार। तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ से निकालते हैं। ओके, आराम से। ओ भाई, लग रहा है किसी को हमारे ऊपर शंका नहीं हुआ है। सब लोग सोच रहा है कि हम लोग भी यहाँ के एक वर्कर हैं। तो सर गेट खोलिए, मुझे इसे यहाँ से बाहर निकालना है। यस, बहुत ही आसानी से, लिटरली बहुत ही आसानी से हमने इस कार को चोरी कर लिया है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि इसका इंटीरियर भी काफ़ी डिसेंट है। और एक बार इसकी स्पीड देखी जाए तो इसकी स्पीड भी ठीक ठाक है। तो चलो फ्रैंकलिन, जल्दी से इसे भी अपने घर ले चलते हैं। ये लो सिमियन, हमने तुम्हारे लिए 3 टायर वाली कार को भी ला दिया है। तो चलो भाई हम लोग इस मॉन्स्टर कार को यहाँ पे पार करते हैं। और सिमियन जल्दी से मुझे मेरे $10 million दो। ये देखो भाई, सिमियन ने मुझे $10 million भी दे दिए है। और भाई अब तुम्हारी बारी है कि तुम जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें इन सारी की सारी मॉन्स्टर कार में से कौन सी सबसे ज्यादा मस्त लगी। अगर भाई तुम मुझसे पूछो तो काफी सारी कार्स ही अच्छी हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मस्त ये इंडियन कार स्कॉर्पियो लगी है। लेकिन तुम्हारी इनमें से कौन सी कार फेवरेट है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो चलो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड जय हिंद।